रेडियो हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूँ आरजे ज्योतिका और लेकर आई हूँ आज फिर आपके लिए एक और रोचक किस्सा। रेडियो हिंदुस्तान के साप्ताहिक प्रस्तुति कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी सी के माध्यम से, जिसे लिखा है श्री अनिल सक्सेना जी ने। महाभारत का वर्णन श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध के प्रसंग के बिना अधूरा है। शिशुपाल भगवान कृष्ण की बुआ के पुत्र थे। शिशुपाल के श्री कृष्ण के द्वारा वध के इस प्रसंग को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे शिशुपाल के जन्म के कालखंड की ओर चलना होगा। हुआ यूं कि जन्म से ही शिशुपाल की तीन आंखें और चार भुजाएं थीं। ऐसा विचित्र रूप देख शिशुपाल के माता पिता काफी चिंतित थे। उन्होंने शिशुपाल को त्याग करने का मन बना लिया था, परंतु तभी एक आकाशवाणी हुई और ये निर्देश दिया गया कि उस बालक का त्याग ना किया जाए। उस आकाशवाणी में ये भी बताया गया कि जिस किसी की गोद में बैठते ही ये बालक सामान्य हो जाए, वही इस बालक की मृत्यु का कारण बनेगा। समय बीतता गया और एक दिन श्री कृष्ण का वहां आगमन हुआ। बालक शिशुपाल को देख स्नेहवश श्री कृष्ण ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। ऐसा होते ही तुरंत शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और भुजाएं गायब हो गई। ये देख शिशुपाल के माता पिता अत्यंत भयभीत हो उठे। तभी श्री कृष्ण की बुआ ने श्री कृष्ण से ये वचन मांगा कि वह शिशुपाल द्वारा की गई सभी गलतियों को क्षमा कर देंगे। उनकी ये दशा देख कृष्ण बोले, विधि का विधान तो कदाचित भी बदला नहीं जा सकता, परंतु मैं ये वचन देता हूं कि शिशुपाल की 100 गलतियों को मैं क्षमा कर दूंगा, किंतु 101वीं गलती उसकी मृत्यु का कारण अवश्य बनेगी। समय बीता। युवावस्था में शिशुपाल के हृदय में रुक्मणी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हुआ। शिशुपाल रुक्मणी से विवाह की इच्छा रखते थे, परंतु रुक्मणी को तो श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति थी। इसीलिए शिशुपाल कृष्ण रुक्मणी के विवाह होने पर कृष्ण को अपना शत्रु मान बैठा था। और एक दिन हुआ भी ठीक विधि के विधान के अनुसार ही। जब महाराज युधिष्ठिर ने अपने महल में राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था, तो कृष्ण, वासुदेव तथा शिशुपाल भी वहां आमंत्रित थे। अपनी पुरानी शत्रुता के चलते शिशुपाल भगवान कृष्ण का युधिष्ठिर द्वारा मान सम्मान होते देख क्रोधित हो उठा और श्री कृष्ण को अपशब्द कहने लगा। किंतु वचनबद्ध श्री कृष्ण ने उसकी इस बात को अनदेखा कर दिया। परंतु शिशुपाल लगातार एक के बाद एक अपशब्द कहता रहा और अंत में 100 अपशब्द पूर्ण होते ही 101वें अपशब्द पर श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र द्वारा शिशुपाल का वध कर दिया। तो साथियों, ये था श्री कृष्ण द्वारा शिशुपाल के वध का प्रसंग। श्री कृष्ण का अत्यंत बलशाली और सामर्थ्यवान होते हुए भी उनका संयम तथा धैर्य और भी कई प्रसंगों में इसी प्रकार उल्लेखनीय है। आज बस इतना ही। हम जल्द मिलेंगे ऐसी ही मनोरंजक कहानी और किस्सों के साथ रेडियो हिंदुस्तान पर कथाएं कुछ सुनी कुछ अनसुनी के माध्यम से। कैसी लगी हमारी ये प्रस्तुति ये बताना न भूलिएगा। हमें आपके लाइक्स और कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जुड़े रहिए रेडियो हिंदुस्तान के साथ, क्योंकि हमारे पास है दिन भर आप सभी के लिए कुछ खास। रेडियो हिंदुस्तान।